हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ नारियल का पीठे का रेसिपी। सो फ्रेंड्स, नारियल का पीठे को रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हूँ एक नारियल, और नारियल को हमने अच्छा से काट लिया हूँ। और इस तरफ से हम नारियल को काटेंगे, उसके बाद नारियल को करेंगे कद्दूकस। और नारियल को हम ऐसे कद्दूकस कर लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, मेरा नारियल कद्दूकस हो गया। अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार, और हम चीनी और नारियल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से, ताकि चीनी नारियल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और आटे को हमने पहले ही गूंथ के रखा था, जैसे आप लोग रोटी के लिए आटे लगाते हो वैसे नॉर्मल आटा लगाया हूँ, और छोटा छोटा टाइप का रोटी बना के रखा था। और उसमें हम अभी नारियल को स्टफिंग करेंगे, और दोनों साइड को अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि नारियल बाहर ना निकले। अच्छे से प्रेस करना है फ्रेंड्स, नहीं तो बाहर निकल जाएगा अगर अच्छे से नहीं प्रेस होगा तो। अभी हम इसको हाथों से डिजाइन करेंगे इस तरफ से। आप लोग चाहे तो बाजार में भी एक मिलता है इसका खाका डिजाइन वाला, वो भी यूज कर सकते हो आप लोग, वो भी अच्छा है। एक एक करके हम लोग सारे को कर लेंगे वैसे। अभी हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। पहले एक साइड को अच्छा से पकने देना है, उसके बाद उसको पलटी कर देना है, नहीं तो बार बार पलटी करेगा तो वो हार्ड हो जाएगा, खाने में इतना मोच मोच नहीं होगा। ये देखो फ्रेंड्स, एक साइड पक गया, अभी हमने पाल्टी कर दिया, इस तरफ से करना है। सो फ्रेंड्स, मेरे ये पीठे का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में नया है वो लोग मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और आप लोगों के लिए नया नया वीडियो ला पाऊँगा। So thank you watching for my videos.